अब पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और सबसे पहले हम क्रश्ड ऑनियन, गार्लिक, जिंजर का जो हमने पेस्ट बनाया था, छोटा छोटा बहुत स्मॉल काटा था, वो हम लेंगे। इसको थोड़ा भूनेंगे, एकदम कच्चा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक हम भूनेंगे। छोटे छोटे काटने से जल्दी जल्दी बनती है सब्जी। अब सबसे पहले हम 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल रहे हैं, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 स्पून और धनिया पाउडर हम 2 स्पून डाल देंगे। इसको चलाएंगे हम और साथ ही चना मसाला हम 2-3 टेबलस्पून डाल देंगे। चना मसाला इसमें ज़रूर डालिएगा, तभी इसका फ़ायदा है, और नहीं हो तो हम जीरा पाउडर ज़्यादा और धनिया पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे चना मसाला हो तो उसका अलग ही फ़ायदा है, बहुत अच्छा चना बनता है। अब थोड़े से चने हम निकाल के मैश कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, इसीलिए करा जाता है, नहीं तो थोड़ा खिले खिले ऐसे खाली खाली चने दिखते हैं। अभी तरी में मिक्स हो जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। थोड़ी देर हम चलाएंगे, साथ ही पानी डाल देंगे। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे और ये चने डाल दिए। ये हमने जीरा पाउडर डाला है 2-3 स्पून। अब हम इसको बनाते हैं। जैसे ब्रेड के ऊपर थोड़ा चने डालेंगे, थोड़े प्याज डालेंगे, थोड़ी ये टैमरिन चटनी है, ये नहीं हो तो आप सॉस डाल सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो। नहीं तो चटनी नहीं बनी हो तो सॉस डाल के आप सर्व कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।